वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम के बारे में, दैट इज फुटबॉल, जिसे हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं। जो फुटबॉल गेम की अगर हम शुरुआत के बारे में बात करें या फिर इसकी हिस्ट्री है, कहां से शुरू हुआ था, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस गेम को खेला जाता था। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीक की, तो वहां पे स्फेरिया नाम से एक गेम था जिसमें लोग किसी बॉल के लिए फाइट करते थे उसे एंड लाइन तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद अगर हम रोमन की बात करें तो वहां पर कैल्शियो नाम का गेम था। उस कैल्शियो गेम में लोग जो है वो किसी बॉल को सिर्फ पैर की हेल्प से एंड लाइन तक लेके जाते थे। चाइना की बात करें तो वहां पर जो है वो सूचू नाम का गेम था। गेम में लोग एक लेदर की बॉल को जो है वो पैर से किक करते थे। तो इस तरह अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे ऐसे एविडेंट है या फिर ऐसा जो गेम है वो खेला जाता था। अगर हम इसकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो ये गेम है ये इवॉल्व हुआ है इंग्लैंड से। सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में ही इसको ऑफिशियली खेला गया और वहां पर ही इसकी सबसे पहली एसोसिएशन बनी। इंग्लैंड में 1848 में जो है ये गेम एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद जो सबसे पहला क्लब है जैसे शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि 1863 में बना। शेफील्ड फुटबॉल क्लब बनने के बाद जो सबसे पहला ऑफिशियल फुटबॉल मैच जो था वो कराया गया था 1872 में, और ये मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। उस समय चार ही एसोसिएशन थी फुटबॉल की जो की थी। सबसे पहली जो थी वो इंग्लैंड की थी, जो दूसरी थी वो स्कॉटलैंड की थी, जो तीसरी थी वो आयरिश की, एंड द लास्ट वन इज ऑफ वेल्स। उस वक्त ये चार एसोसिएशन ही प्रेजेंट थी जब 1872 में मैच हुआ था। 1872 में मैच होने के बाद 1875 में सबसे पहली बार FA कप कराया गया था, जो कि फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे पुराना कप है। और ये जो था वो इस एसोसिएशन में, यानी इंग्लैंड की जो एसोसिएशन है उसने कराया था। 1875 में जब एक कप हुआ तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनके पास कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि उनके फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो ये चारों जो है एसोसिएशन, इन लोगों ने एक मीटिंग की 2 जून 1886 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, IFAB। IFAB जो है वो आज भी फुटबॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बनाता है, उन्हें डिसाइड करता है। तो सबसे पहले जो चीज एग्जिस्टेंस में आई IFAB, ये आई थी 2 जून 1886 में। उस वक्त जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हुआ करते थे वो थी ये चार एसोसिएशन, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरिश और वेल्स। इस एसोसिएशन के बनने के बाद ही जो फुटबॉल के हैं वो रूल्स डिसाइड हुए। ये डिसाइड हुआ कि कितने प्लेयर्स खेलेंगे, कितनी देर का मैच होगा, जो बेसिक रूल्स है वो IFAB बनने के बाद ही डिसाइड हुए थे। इसके बाद 1900 और 1904 जो ओलंपिक हुआ था उसमें फुटबॉल को एज अ डेमोंस्ट्रेशन गेम शामिल किया गया। और उसके बाद 1908 में जो फुटबॉल है वो ओलंपिक में शामिल कर लिया गया एज अ स्पोर्ट। 1908 में जब ओलंपिक में गेम शामिल किया गया था तब ये सिर्फ मेंस के लिए शामिल किया गया था। 1904 में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद दे रियलाइज कि इसकी एक जो इंटरनेशनल फेडरेशन होनी चाहिए। तो 1904 में ही फीफा बनी थी, दैट इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल। जब फीफा बनी थी तो उनके पास कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं थे फुटबॉल के लिए, तो उन्होंने वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया जो कि IFAB ने बनाया था। उसके बाद 1913 में IFAB और फीफा जो है वो दोनों साथ में आ गए, यानी वो दोनों एक साथ काम करने लगे। तो अगर हम फुटबॉल की क्रोनोलॉजी की बात करें तो 1863 में सबसे पुराना क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है वो इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 1872 में सबसे पहली बार फुटबॉल का ऑफिशियल मैच हुआ था जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। एंड आफ्टर दैट 1875 में FA कप हुआ और FA जो है दैट इज द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद 1886 में रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था IFAB, यानी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। उसके बाद 1900 और 1904 में ओलंपिक्स में एज अ डेमोंस्ट्रेशन गेम शामिल किया गया फुटबॉल को। आफ्टर दैट 21 मई 1904 में जो फीफा है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल की, वो एस्टैब्लिश हुई।
एंड आफ्टर दैट 1908 में ओलंपिक में शामिल कर लिया गया फुटबॉल को, लेकिन वो सिर्फ मेंस के लिए था। उसके बाद 1913 में जो फीफा और आईएफएबी है वो दोनों मर्ज हो गए, वो दोनों एक साथ काम करने लगे। 1930 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट हुआ, जो कि 2018 में रशिया में हुआ था और 2022 में कतर में होगा। और 1991 में वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। 1930 में सिर्फ मेन के लिए स्टार्ट हुआ था, 1991 में जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। 1996 में वुमेन फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। फिर उसके बाद 2014 में जो आईएफएबी है वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसके पहले तक जो आईएफएबी है वो चार एसोसिएशन और फीफा के अंडर काम करता था, जो कि फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन को गवर्न करने वाली एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई है। अगर हम बात करें फुटबॉल के वेट के बारे में तो ये होता है 410 से 450 ग्राम, और उस बॉल के सर्कमफेरेंस के बारे में बात करें तो वो होता है 68 टू 70 सेंटीमीटर। बात करें इस फुटबॉल के ग्राउंड के बारे में तो ये जो लाइंस होती है इनको हम टच लाइन कहते हैं और इसको हम कहते हैं गोल लाइन। फुटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है वो फिक्स नहीं होती, इसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर से 120 मीटर तक हो सकती है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी जो गोल लाइन है वो 45 मीटर से लेके 90 मीटर तक हो सकती है। फुटबॉल के ग्राउंड में बीच में एक सर्कल होता है, अगर इस सर्कल के रेडियस की बात करें तो वो 10 यार्ड्स होता है, अगर मीटर में बोले तो 9.15 मीटर होता है ये सर्कल। सर्कल के बीच में यहाँ पर एक सेंटर बनाया जाता है और इस सेंटर जो है ये होता है 20 सेंटीमीटर का। बात करें इसके गोल पोस्ट की तो इसके दोनों गोल पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 7.32 मीटर। इसका जो पहला डी बना है वो गोल पोस्ट के एक एंड से होता है 5.5 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों एंड से। गोल लाइन से इसकी डिस्टेंस जो है वो भी होती है 5.5 मीटर। इस लाइन की लंबाई की बात करें तो इस लाइन की पूरी लंबाई होती है 18.32 मीटर। अगर बड़े वाले डी की बात करें तो वो गोल पोस्ट से होता है 16.5 मीटर की दूरी पे दोनों साइड। गोल लाइन से यहाँ पर एक 11 मीटर की डिस्टेंस पे सेंटर पे एक डॉट बनाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये भी होती है 16.5 मीटर। वहां से रेडियस लेते हैं 9.15 मीटर का, जिससे ये सर्कल बनाया जाता है। इस वाली लाइन की बात करें तो इस लाइन की लंबाई होती है 40.32 मीटर। अगर गोल पोस्ट की हाइट की बात करें तो वो होता है 8 फीट यानी 2.44 मीटर। कॉर्नर पे क्वाड्रेंट बना होता है जिसका रेडियस जो है वो होता है 1 मीटर। फुटबॉल के ग्राउंड में जितनी भी लाइन बनी होती है सभी लाइन की जो चौड़ाई है वो 5 इंच या फिर 12.5 सेंटीमीटर होती है, और ये जो लाइन है वो इसका एरिया इंक्लोज करते हैं, मतलब जो लाइन है वो इसके अंदर होती है ना कि इसके बाहर। इसमें चारों साइड कॉर्नर पे फ्लैग लगे होते हैं और उन फ्लैग की जो हाइट होती है वो होती है 1.5 मीटर। आपको फुटबॉल के कोर्ट के इतने ही बेसिक से मेजरमेंट्स याद रखने हैं कि इसके जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, वो 8 फीट या 2.44 मीटर होती है। इसमें जो फ्लैग्स लगते हैं वो 6 फ्लैग लगाए जाते हैं, चारों ओर कॉर्नर पे लगता है और यहाँ पर भी 2 फ्लैग लगते हैं। ये जो फ्लैग है इनकी हाइट 5 फीट या 1.5 मीटर होती है। बीच में जो सर्कल होता है यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 9.15 मीटर होता है, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल बनाया जाता है जहाँ पे किक ऑफ के टाइम बॉल रखी जाती है। बात करें यहाँ जो दो डी बने हैं तो जो सबसे पहला डी है उसकी जो डिस्टेंस जो है वो गोल पोस्ट से 5.5 मीटर है दोनों साइड, और उसकी जो डिस्टेंस गोल पोस्ट से इस लाइन की है वो भी 5.5 मीटर है। जो बड़ा डी है वो 16.5 मीटर की दूरी पे बना हुआ होता है। फुटबॉल के गेम में टोटल 16 प्लेयर होते हैं, जिसमें जो 11 है वो खेलते हैं और 11 में से जो 10 है वो तो ग्राउंड में खेलते हैं और एक जो है वो होता है गोलकीपर। गेम की ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन जो गेम का है वो 90 मिनट का होता है, जो दो हाफ में होता है। 45 मिनट का एक हाफ होता है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर होता है 45 मिनट का दूसरा हाफ। अगर इसके ऑफिशियल्स की बात करें तो इसमें एक रेफरी होता है जो मेन रेफरी होता है जो पूरा मैच खिलाता है। उसके बाद जो दो है वो असिस्टेंट रेफरी होते हैं। असिस्टेंट रेफरी चेक करता है कि बॉल जो उसने लाइन कट तो नहीं किया, फिर बॉल जो है वो बाहर तो नहीं गई। उसके बाद जो दो है वो एडिशनल असिस्टेंट रेफरी जो है वो हो सकते हैं। उनका काम जो है वो यहाँ पर वो चेक करते हैं कि बॉल जो है वो गोल लाइन से उसने क्रॉस की है या नहीं।
उसके बाद जो एक है वो फोर्थ ऑफिशियल होता है। फुटबॉल के मैच को कराने के लिए आपको इतने ऑफिशियल्स की जरूरत होती है। और अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो किक ऑफ क्या होता है, जब मैच स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होने से पहले जो टॉस होता है, जो भी टीम टॉस जीतती है वो डिसाइड करती है कि उसको ऑफेंस लेना है या डिफेंस। जो भी टीम स्टार्ट करती है तो यहाँ पे सबसे पहले बॉल रखी जाती है और वहां पे होता है किक ऑफ। बात करें थ्रो इन की, तो जब बॉल साइड से बाहर चली जाती है तो अंदर फेंकने का जो प्रोसेस है उसको हम थ्रो इन कहते हैं। बात करें गोल किक की, अगर जो बॉल है वो इस लाइन से बाहर जाती है और वो भी ऑफेंस से जाती है तो गोल किक मिलती है, यानी जो गोल कीपर है वो यहाँ पे बॉल अपनी एरिया में रख के बॉल को किक करता है। लेकिन अगर डिफेंस वाले के हाथ से टच होके या फिर गोलकीपर के हाथ से टच होके बॉल गोल लाइन से बाहर चली जाती है तो मिलती है कॉर्नर किक। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है फुटबॉल के बारे में कि कौन सी चीजें कब ली जाती हैं। तो ये थी फुटबॉल की बेसिक नॉलेज, जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डीप किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया गेम लेकर। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।